नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं मुन्ना कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल एमएस क्लासेस में, अपने एमएस क्लासेस चैनल में। तो आज मैं लेके आपके लिए आया हूं नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाए, और वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के पार्ट को। सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस हम लोग बनाना सीखेंगे और बहुत आसानी से। तो क्वेश्चन को बुला लूँ, ये देखिए आगे क्वेश्चन क्वेश्चन साइड में पड़ा हुआ है, और उस क्वेश्चन को आप देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है, मैं भात नहीं खाता हूँ। क्या है मैं भात? देखिए भात जो हम लोग भोजपुरी भाषा में बोलते हैं, भात, भात मीन्स चावल, एक तरह से राइस। ओके, तो मैं भात नहीं खाता हूँ, मैं भात नहीं खाता हूँ का क्या होगा? आई डू नॉट ईट राइस, आई डू नॉट ईट राइस। मैं भात नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट राइस। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे पहले लिख दूँ, उसका सेकेंड सेंटेंस बताऊँगा। स्ट्रक्चर में होगा सब्जेक्ट डू या डज, अ प्लस नॉट, अ प्लस वर्ब वन, अ प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए यही इसका स्ट्रक्चर है, बहुत प्यारा सा स्ट्रक्चर है। अब आपको समझने की थोड़ी सी जरूरत है कि डू कहाँ यूज़ करें और डज। तो डू को देखिए आई के साथ भी यूज़ कीजिएगा, वी के साथ, आई वी यू के साथ यूज़ कीजिएगा, फिर दे के साथ यूज़ कीजिएगा, आई वी यू दे। फिर आपको यूज़ करना है आई वी यू दे, मोर देन वन नेम, मोर देन वन नेम, एक से अधिक नामों के साथ यूज़ कीजिएगा। अब बात आती है डज की, डज कहाँ पे यूज़ करना है? ही के साथ, शी के साथ, ही शी इट के साथ, सिंगल नेम के साथ। तो ये था स्ट्रक्चर नेगेटिव का, और ये डू डज हम कहाँ पे यूज़ करें ये हमने बता दिया। अब हम सेंटेंसेस को आसानी से बना लेंगे, और हम ही क्या मतलब हम कह दिया तो मतलब कि सभी लोग बना लेंगे, आप भी बना लेंगे। अब तो कॉपी की तरह कॉपी तो ज़रूर लेके आप बैठ जाइए, क्योंकि आपको कॉपी में लिखना होगा। तो पहला सेंटेंस था मैं भात नहीं खाता हूँ, तो मैंने क्या लिखा? आई डू नॉट ईट राइस। फिर दूसरा सेंटेंस, पहला सेंटेंस का आंसर होगा आई डू नॉट ईट राइस। दूसरा सेंटेंस क्या होगा भैया? कह रहे कि हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं, हम लोग का होता है वी, और वी के साथ क्या लगेगा? डू या डज, तो डू लगेगा भाई, वी डू, डज केवल ही शी इट और सिंगल नेम के साथ लगता है, बाकी सब के साथ डू। तो वी डू नॉट, हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं, वी डू नॉट क्या होगा? झूठ बोलने का टेल ए लाई, We do not tell a lie. तीसरा, हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं, We do not tell a lie. वह सच नहीं बोलता है, वह सच नहीं बोलता। देखिए जी ही आ गया, और ही शी इट और सिंगल नेम के साथ हम क्या लगाते हैं? ही शी इट और सिंगल नेम के साथ डज लगाते, तो ही डज नॉट, ही डज नॉट टेल अ लाई, वह झूठ नहीं बोलता है। उसके बाद है तुम लोग झगड़ा नहीं करते हो, तुम लोग झगड़ा नहीं करते। तुम लोग का इंग्लिश होता है यू, तुम लोग का इंग्लिश क्या होता है? यू, यू के साथ लगता है डू, यू डू नॉट, झगड़ा करना, झगड़ा, तुम लोग झगड़ा नहीं करते, यू डू नॉट क्या होगा? क्वारल, क्यू यू ए डबल आर ई एल, यू डू नॉट क्वारल, तुम लोग झगड़ा नहीं करते हो, यू डू नॉट क्वारल। एक बार मिटा दूं, ये चार तक को हमने बना दिया। गायों को नहीं खिलाता संजीत, क्या होगा? संजीत लड़का है, द डज नॉट तो लगेगा, संजीत डज नॉट गाय को खिलाना, क्या होगा बताइए? संजीत गाय को नहीं खिलाता, एफ डबल ई डी फीड, संजीत गायों को नहीं खिलाता है, गायों है ना जी, संजीत डज नॉट फीड द काउज, क्या होगा? संजीत डज नॉट फीड द काउज। फिर नेक्स्ट,
मेरी गाय दूध नहीं देती है। मेरी गाय, माई काउ, मेरी गाय दूध नहीं देती है। माई काउ डज नॉट, माई काउ डज नॉट, दूध नहीं देती है। माई काउ डज नॉट, देना का गिव हो गया। माई काउ डज नॉट गिव मिल्क। फिर अगला, मेरी गायें दूध नहीं देती हैं। तो यहां पे एक सदी गायें हो गई, माई काउज, माई काउज डू नॉट गिव मिल्क। क्या होगा, माई काउज डू नॉट गिव मिल्क, मेरी गायें दूध नहीं देती है। माय काउज डू नॉट गिव मिल्क। देखिए यहाँ पे मेरी गाय सिर्फ एक गाय है और यहाँ पे एक से अधिक गाय हो गई, इसलिए एक से अधिक गाय होने की वजह से यहाँ पे डू लग गया, और यहाँ पे देखिए एक ही गाय है तो डज लग गया, एक गाय है डज लगा इसलिए, और यहाँ पे एक से अधिक गाय, ये प्लूरल मतलब कि आपका है प्लूरल सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज लगाएंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू लगाएंगे। नेक्स्ट, चंदन और क्या है राजन नहीं तैरते हैं। चंदन और राजन नहीं तैरते हैं। चंदन से चैंडियन चंदन एंड रंजन, चंदन एंड रंजन डू नॉट स्विम। देखिए यहाँ पे चंदन एक नाम हो गया, रंजन दो नाम हो गया, एक से अधिक नाम हो गया, इसलिए यहाँ पे डू नॉट लगा है। अगर केवल चंदन रहता तो डज नॉट लगता, चाहे केवल रंजन रहता तो डज नॉट लगा। कैसा लगा सारा ट्रांसलेशन करना आपको बताया, और आप लोगों ने लिख भी लिया होगा, और नहीं लिखे हो तो भैया लिख लीजिएगा, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अभी मैं बहुत जल्द ही एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस का कुछ क्वेश्चन दूंगा आपको बनाने के लिए, और आप बनाइएगा, और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी होगा, और उस व्हाट्सएप नंबर पर उसको क्लिक करके सेंड कीजिएगा, मैं चेक कर दूंगा कि आपने सही बनाया या गलत। तो लेता हूँ आपसे।